दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर मीशो एप्लीकेशन पर ओटीपी नहीं आ रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको 3 से 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि दोस्तों आप मीशो एप्लीकेशन की ओटीपी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन आपको जो है चेक करना है। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट सही से वर्क नहीं कर रहा है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको जो है सबसे पहले एयरप्लेन मोड को ऑन करने के बाद आपको जो है इसे ऑफ कर लेना है, जिससे कि दोस्तों आपके मोबाइल में इंटरनेट प्रॉपरली वर्क करेगा और गाइस आपके जो है इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद गाइस जो है ओटीपी प्रॉब्लम भी साइड से फिक्स हो जाएगी। इसके बाद आप अपने मीशो एप्लीकेशन में ट्राई कर सकते हो। लेकिन फिर भी जो है ओटीपी नहीं आ रहा है तो आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको जो है मीशो एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। अगर आपके मीशो एप्लीकेशन पर कोई भी अपडेट आई होगी तो यहाँ पर आपको ओपन की जगह अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा। अपडेट पर क्लिक करते ही मीशो एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगी और इसके बाद आप जो है ट्राई कर सकते हो। इसके बाद भी अगर आपके मीशो एप्लीकेशन से ओटीपी नहीं आ रहा है तो आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। मोबाइल की सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपको जो है मैनेज ऐप्स ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर अगर आपके मोबाइल में ऐप्स का ऑप्शन शो हो रहा है तो आप जो है ऐप्स ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद आपको मैनेज ऐप्स पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपके मोबाइल की सभी एप्लीकेशन आपको जो है शो हो जाएगी। तो यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मीशो एप्लीकेशन सर्च करना है और मीशो एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पर आपको मीशो एप्लीकेशन में ऐप परमिशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है कॉन्टैक्ट की परमिशन को अलाउ कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है और इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की ओर फोर्स स्टॉप पर क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लियर ऑल डेटा पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको क्लियर कैच कर लेना है और यहाँ पर आप क्लियर डेटा भी कर सकते हो। क्लियर डेटा करने से आपकी जो है लॉगिन डिटेल इरेज हो जाती है, तो यहाँ से आप क्लियर डेटा करना चाहते हो क्लियर डेटा भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है और अब जो है आपको ट्राई करना है। अगर आपके मोबाइल में ओटीपी आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ओटीपी नहीं आ रहा है तो आपको जो है अपने मोबाइल में मैसेजिंग एप्लीकेशन पर लॉन्ग प्रेस करना है। या दोस्तों मैसेजिंग एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपको ऐप इन्फो पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको जो है ऐप परमिशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एसएमएस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एसएमएस की परमिशन को अलाउ करना है और यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट पर क्लिक करने के बाद कॉन्टैक्ट की परमिशन को भी अलाउ कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको जो है बाहर आ जाना है। अब जो है आपके मोबाइल में मीशो ऐप की ओटीपी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जी दोस्तों, इन तरीकों को यूज़ करके आप जो है मीशो ऐप की ओटीपी प्रॉब्लम को आप फिक्स कर सकते हो। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना।